विजय मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक टाइप का अलग टाइप का एग्जांपल सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल है x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस टाइम्स x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस ऑफ x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 प्लस ऑफ x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एज यूजुअल प्लस ऑफ x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एज यूजुअल प्लस ऑफ x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 एज यूजुअल प्लस ऑफ x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। इधर प्लस 4 है, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया। तो ये प्लस 4 है ना, ये प्लस 4 को हम क्या कैसे लिखेंगे, प्लस 4 को तोड़ के हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे, चार बार 1 प्लस 1 करेंगे। तो एक एक को जोड़ेंगे, लेकिन हमें इधर पहले लिख लेंगे 4, नहीं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 चार टाइम लिख लो इक्वल्स 0। ये 4 को हमने 1 1 1 1 किया, क्यों किया, ये 4 जो है इसके साथ प्लस करेंगे हम एक एक, इसको एक करेंगे, इसको एक करो प्लस करो, इसको जोड़ो एक, इसको एक जोड़ो, इसको एक जोड़ो, यहाँ क्या बचता है, सबको एक एक जोड़ने के बाद इधर 0 बचेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, यानी 4 निकल जाएगा। तो ये बीच में इनके साथ आएगा। तो चलिए इसको जोड़ेंगे हम, एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1 जोड़ो बोल रहे हैं, 1 जोड़ दो, एक ब्रैकेट कर लो। तो 1 जोड़ने के बाद इधर 1 बाई 1 लिख लो, तो बीच में प्लस है प्लस, ये क्या बना है, एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 ही कर दो इसको भी, तो डिवाइडेड बाय 1 बाई 1 मतलब भी 1 ही, 1 मतलब भी 1 ही, तो प्लस ऑफ एक्स माइनस 8 ये भी सेम लिख लो, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 प्लस ऑफ 1 बाई 1, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। लास्ट का x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 प्लस ऑफ 1 करना है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू, ये 4 चले गए बीच सब में आ गया, तो बचे क्या है, बचे क्या हमें लास्ट में 0। ओके, तो ये अभी हर एक में एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। इसमें पहले इसका देखेंगे, ये क्या है, ये x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 1 बाय 1, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो चलते, नहीं तो एलसीएम ले लो x बाय 2, तो ऊपर क्या बनेगा x माइनस 10 प्लस क्या बनेगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x, 2x बन रहे इधर ऊपर, इधर क्या बन रहे 12 बन रहे, माइनस 12 नीचे x माइनस 2 बच रहे, ठीक है। हम खाली इसका सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 आ रहा है, तो इसका वैल्यू इसमें रख दो, क्या है इसका वैल्यू, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये एक हो गया। ठीक इसी तरह अभी इसका कर दो, इसका यहाँ पर करेंगे x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस ऑफ 1 बाई 1, तो ये क्या बन रहा है, x माइनस 3 तो नीचे रहेगा, तो इधर ऊपर x माइनस 9 एज यूजुअल प्लस x माइनस 3, ठीक है। तो इधर क्या बन रहा है, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 बच रहा है, इसमें क्या बच रहे हैं, 2x माइनस 12, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 बच रहे थे, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये प्लस ऑफ, अभी इसका सॉल्व किया, इसका सॉल्व किया, अभी इसका सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्व करें तो क्या बन रहा है, देखो x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 है प्लस ऑफ 1 बाई 1, तो x माइनस 4 तो कॉमन, तो ऊपर x माइनस 8 बचेगा प्लस x माइनस 4 साथ में आएगा, तो इधर क्या बन रहा है, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, ठीक है। ये क्या बन रहा है, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, तो 2x माइनस 12 एज यूजुअल लिख लो, x माइनस 4 नीचे लिख लो, इसका हो गया। अभी लास्ट प्लस इसका एक बच गया, तो ये क्या बन रहा है, देखो x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स x माइनस 5 कॉमन, तो इधर ऊपर x माइनस 7 प्लस ऑफ x माइनस 5, तो इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, x प्लस x, 2x माइनस 7 माइनस 5
दोनों किया तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, नीचे का एक्स माइनस फाइव यहाँ जीरो। ओके तो इसका क्या आ रहा है, टू एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फाइव, टू एक्स माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इनका सबका एलसीएम लेके हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो क्या आ रहा है, इसका टू एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स बाय टू डिवाइड बाई एक्स बाय टू, इसका क्या आ रहा है टू एक्स माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, इसका क्या आ रहा है टू एक्स माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर, इसका क्या आ रहा है टू एक्स माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई एक्स माइनस फाइव। तो आप ध्यान दीजिए, सब में टू एक्स माइनस ट्वेल्व ऊपर न्यूमरेटर में टू एक्स माइनस ट्वेल्व सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसका मतलब टू एक्स माइनस ट्वेल्व हम बाहर लेंगे कॉमन। तो टू एक्स माइनस ट्वेल्व हम अगर कॉमन बाहर लिया तो इधर अंदर क्या बच रहे, वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू यहाँ पर बच रहे, इधर क्या बच रहे वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री बच रहे, इधर क्या बच रहे वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर बच रहे, प्लस ऑफ इधर क्या बच रहे वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव बच रहे, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टू एक्स माइनस ट्वेल्व बाहर ले लिया, इसलिए ऊपर क्या बचा खाली वन बचा, डिनोमिनेटर में तो सेम एक्स माइनस टू रहेगा, इधर ऊपर से वन बचा, वन वन रहा तो एक्स माइनस थ्री रहेगा इधर डिनोमिनेटर, इधर डिनोमिनेटर में एक्स माइनस फोर रहेगा, इधर डिनोमिनेटर एक्स माइनस फाइव रहेगा। तो हम इसको कैलकुलेशन ईजी होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको पहले वन बाय एक्स माइनस टू लिख लेंगे पहले, उसके बाद उसके साथ वन बाय एक्स माइनस फाइव करेंगे, बाद में ये दोनों लिख लेंगे। देखिए कैसा लिख रहा हूँ, ये टू एक्स माइनस ट्वेल्व ये बाहर तो है, अब ये कैसे लिख लो, वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू पहले लिख लो, बाद में ये प्लस है, प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव पहले लिख लो, ये पहले फर्स्ट सेकंड ये लास्ट का लिख लो, ये वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव, क्योंकि कैलकुलेशन आगे करना है ना तो ईजी बनना चाहिए। तो ये बाकी का जो है ये यूजुअल एक्स माइनस थ्री प्लस ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम क्या किया तो कैलकुलेशन अभी हम इधर एलसीएम लेके इसका जो सिंप्लीफाई करते हैं ना वो टाइम में ये इजी बनेगा। तो अभी हमें इधर क्या मिला, अभी दो पार्ट हो गया हमें इसमें, दो पार्ट नहीं हुआ, दो पार्ट हम करके सॉल्व करेंगे, इसका एक अलग करेंगे, इसका एक अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू ये क्या है, मैं वो लिख रहा हूँ, खाली ये दोनों का ही लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव, इसका हम सिंप्लीफिकेशन किया तो एलसीएम ले लो दोनों, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आता है, तो एलसीएम ले लो एक्स माइनस फाइव एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा ये एक्स माइनस टू एक्स माइनस डिवाइड हो जाएगा, ये एक्स माइनस फाइव बचेगा ऊपर, इधर प्लस ऑफ ये डिवाइड हो जाएगा, ये एक्स माइनस टू बचेगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा टू एक्स टाइम्स माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन बचेगा ऊपर नीचे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x के साथ x माइनस फाइव दो कर दो और माइनस टू के साथ x माइनस फाइव दो बार कर दो, तो ये क्या बन रहे, तो ये क्या बन रहे एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू फाइव फाइव एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस टू फाइव जर टेन। ठीक है, नीचे का खाली मल्टीप्लीकेशन किया है, एक्स के साथ एक बार, इसको फाइव के साथ एक बार, ये दो के साथ एक बार, माइनस टू के साथ एक बार, माइनस टू के साथ तो फाइव को एक बार। तो यहाँ पर क्या बन रहा है टू एक्स माइनस सेवन तो यह जो ऊपर का रहेगा, इधर नीचे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड कर लो तो माइनस फाइव एक्स टू एक्स सेवन एक्स बचेगा प्लस टेन, वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू प्लस ऑफ वन डिवाइड बाई एक्स माइनस फाइव मीन्स टू एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, यानी इसका जो हमने सॉल्व किया वो क्या आ रहा है, ये लिख लो पहले टू एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू इसका भाग क्या आ रहा है टू एक्स माइनस सेवन आ रहा है होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन आ रहा है, खाली इन दोनों का हो गया। ठीक इसी तरह इन दोनों का करोगे अभी क्या करो, इन दोनों का यानी वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री प्लस ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर इन दोनों का कर दो, तो इन दोनों का करने के बाद क्या आ रहा है एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा एक्स माइनस फोर प्लस मल्टीप्लीकेशन नहीं है
ब्रैकेट नहीं डालेंगे क्योंकि प्लस करना है, x माइनस फोर ऊपर प्लस ऑफ x माइनस थ्री, तो क्या बन रहा है, x x प्लस एक्स टू एक्स माइनस सेवन ऊपर आ रहा है क्योंकि माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन नीचे क्या रहा है, और नीचे x को एक बार इससे मल्टीप्लिकेशन, x को एक बार इससे माइनस फोर को मल्टीप्लिकेशन, माइनस थ्री से x को एक बार, माइनस थ्री से माइनस फोर को एक बार कर दो, तो क्या आ रहा है एक्स स्क्वेयर एक्स के एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स को माइनस फोर से फोर एक्स, माइनस थ्री एक्स इंटू माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री से एक्स को किया तो माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री से माइनस फोर को अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो प्लस ट्वेल्व आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है अभी, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सेवन एज यूजल रहेगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व बन रहा है। ठीक है, तो ये भाग क्या बन रहा है, टू एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ये बन रहा है इज इक्वल्स टू जीरो। समझ में है, इन दोनों का पहले लिया बाद में इन दोनों का लिया तो एज यूजल रख दिया, पीछे का तो टू एक्स माइनस टू एज यूजल है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, तो क्या आ रहा है इधर, टू एक्स माइनस ट्वेल्व, तो इन दोनों में टू एक्स माइनस सेवन और को कॉमन ले लो, तो इधर टू एक्स माइनस सेवन, ये तो टू एक्स माइनस ट्वेल्व पहले का है, ये टू एक्स माइनस सेवन इसमें भी है, टू एक्स माइनस सेवन इसमें भी है, तो ये एक बार बार और कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बच रहा है, और वन डिवाइडेड बाई एक्स के माइनस सेवन एक्स प्लस टेन यहाँ बच रहे हैं, इधर क्या बन रहा है, वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व यहाँ पर बच रहे हैं इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये अभी निकाल देंगे, तो इस इक्वेशन से इस सॉल्यूशन से हमें तीन सॉल्यूशन मिला, क्या क्या मिला देखिए, टू एक्स माइनस ट्वेल्व, टू एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो एक मिला, टू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो एक मिला, तीसरा ये वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन प्लस ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ये तीसरा मिला। ठीक है, टू एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो एक मिला, टू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो एक मिला, थर्ड वन क्या है, वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस सेवन एक्स प्लस टेन प्लस ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो एक मिला, तो निकाल दीजिए अभी, टू एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो मीन्स टू एक्स इज इक्वल्स टू वो साइड में राइट साइड में रहेगा तो ए प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू मीन्स सिक्स, एक्स इक्वल्स सिक्स ये एक बना, तो इधर क्या बनता है, टू एक्स इज इक्वल टू प्लस सेवन आ जाएगा, तो एक्स इक्वल्स सेवन बाई टू बनेगा इधर। ठीक है, ये हमें दो मिला एक्स का वैल्यू, ठीक है, तो इधर x का वैल्यू सिक्स आ गया, x का वैल्यू सेवन बाई टू आ गया, तो दो वैल्यू मिला हमें इससे। अभी नेक्स्ट है ये लास्ट का, चलिए ये सॉल्व करने का कोशिश करिए, ये वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन प्लस ऑफ वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो है, इसको ये जो पार्ट है ये प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू है ना, ये साइड में ले लीजिए, तो क्या बनेगा, ये वन वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल्स टू प्लस ये साइड राइट साइड में आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, ये लास्ट वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सेवन टाइम्स एक्स प्लस ट्वेल्व मिलेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम राइट साइड में लिया तो इसलिए प्लस रहे सो ये माइनस आ गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये वन को इससे और ये वन को इससे, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन टाइम्स एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू माइनस वन कॉमन एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। ठीक है, तो अभी ये निकाल दीजिए, माइनस सेवन वन से मल्टीप्लीकेशन करके ब्रैकेट निकाल दीजिए, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस वन प्लस माइनस टेन। ओके, तो ये सब ए साइड में लाइए,
ये पीछे तो ये है ही एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है। तो ये इस साइड में लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व ये माइनस इस साइड में लाए तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये प्लस सेवन एक्स इधर लाए तो माइनस सेवन एक्स बनेगा, ये माइनस टेन इधर आने के बाद प्लस टेन बनेगा, इज इक्वल्स टू और जीरो बनेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस सेवन एक्स है, माइनस सेवन एक्स है, और सब टोटल कर दो, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस फोर्टीन एक्स हो जाएगा, ये प्लस ट्वेल्व प्लस टेन प्लस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू जीरो बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, इसको ऊपर लेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी टू सॉरी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको क्या कर दो, दो से डिवाइड कर दो दोनों को, दोनों सेट, तो दोनों सेट अगर दो से डिवाइड किया तो इसको भी दो से करने का, इसको भी दो से करने का, इसको भी दो से करने का, जीरो को भी दो से करने का, तो क्या बच रही है इधर, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन टाइम्स एक्स प्लस एलेवन इज इक्वल टू जीरो बच गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो हम इधर लेंगे इसको वैल्यू, इधर इसका वैल्यू जो है वो इधर लिख के रखेंगे, एक्स इक्वल सिक्स, क्या क्या है इधर हमें क्या क्या मिला, एक्स इक्वल सिक्स एक मिला, एक्स इक्वल्स सेवन बाई टू ये दो मिला है। तो अभी हम इधर से निकालेंगे, ये साइड में लाएंगे, क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन टाइम्स एक्स प्लस एलेवन इज इक्वल टू जीरो मिला, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम दो तीन टाइप से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे इजी तो बाय फार्मूला है, फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स माइनस बी प्लस आर माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, इसमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ए बी सी का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो जनरल फार्मूला है इससे अगर कंपेयर किया तो ए का वैल्यू इधर वन मिलेगा, बी का वैल्यू माइनस सेवन मिलेगा, सी का वैल्यू एलेवन मिलेगा कांस्टेंट। तो इसमें पुट करो तो आंसर आएगा, एक एक तरीका है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम स्क्वेयरिंग मेथड से करेंगे। तो बहुत बार ये किया है, अब स्क्वेयरिंग मेथड से भी हम करने का सीखेंगे। हम स्क्वेयरिंग मेथड से कैसे करेंगे इसको, स्क्वेयरिंग मेथड्स इसे सॉल्व करेंगे स्क्वेयरिंग मेथड से, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग मेथड से अगर करना है तो हमें एक्स स्क्वायर एज यूजुअल लिख लो, माइनस सेवन एक्स एज यूजुअल लिख लो, प्लस क्या कर दो, कांस्टेंट नंबर कोई भी नंबर कांस्टेंट के स्क्वायर समझ लो, माइनस के स्क्वायर ये इधर रख लो, प्लस एलेवन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या किया मैंने, के स्क्वायर प्लस का है, के स्क्वायर माइनस का है, दोनों चले जाएगा सेम ही, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस एलेवन। क्योंकि हम ये क्यों कर रहे हैं, कहीं के लिए हमने किया, तो ये पार्ट जो है इसे हमें स्क्वेयर चाहिए, क्योंकि हम स्क्वेयरिंग मेथड से कर रहे हैं, हम ये पार्ट स्क्वेयर में चाहिए। अभी ये पार्ट क्या बन रहा है, अभी एक कुछ भी दो एक्स माइनस के होल स्क्वायर के टाइप में बनना चाहिए, क्योंकि इधर माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स के ऐसा बनेगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर सेम है, के स्क्वायर इधर सेम है, लेकिन इधर माइनस सेवन एक्स है ना, इधर माइनस तो है, सेवन एक्स के जगह में टू एक्स क्या है, तो सेवन एक्स इज इक्वल टू टू एक्स है। तो ये एक्स एक्स गया, तो ये के का वैल्यू क्या आ रहा है, सेवन डिवाइडेड बाई टू, समझ में। तो के किधर भी है, सेवन डिवाइडेड बाई टू रखने का तो ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इससे भी इजी मेथड्स हम क्या कर रहे हैं, ये मिड टर्म देखो, इधर इतना आपको पता चला ठीक है, नहीं पता तो इसका जो इक्वेशंस का इतना ही इसका नहीं है, ये माइनस के स्क्वायर प्लस एलेवन जो है ये बाद में देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस के स्क्वायर क्या मिड टर्म के मिड टर्म क्या है, सेवन एक्स है, साइन छोड़ दो, सेवन एक्स है, ठीक है। सेवन एक्स भी वेरिएबल भी मतलब खाली कॉन्स्टेंट, इसके साथ का जो कोएफिशिएंट है वो सेवन है। तो के का वैल्यू निकालना अगर है तो क्या करो, ये सेवन है ना मिड टर्म, सेवन रख दो, इसको डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई कर दो वन बाई टू कर दो, कुछ भी रहने दो उधर,
टेन रहने दो, 25 रहने दो, 22 रहने दो, 13 रहने दो, 50 रहने दो, 100 रहने दो, जो एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है के अगर वैल्यू चाहिए आपको तो उसके साथ वन मल्टीप्लिकेशन वन हाफ से कर दो बस। ये क्या आ रहा है, 7/2 के का वैल्यू आया, ठीक है। तो इधर भी वही आया ना, के का वैल्यू 7/2, तो हमने कंपेयर करके लिया। लेकिन आपको उतना भी टाइम बचाने आए तो खाली मिड टर्म देखने का, कांस्टेंट का, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का हाफ से, साइन मतलब नहीं है, तो क्या बनेगा वो के का वैल्यू बनेगा। लेकिन हमें इधर के नहीं चाहिए, के स्क्वायर चाहिए, तो इसको 7/2 होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स, इधर के है ना इसलिए 7/2 आया, प्लस इधर 7/2 होल स्क्वायर कर दो, माइनस 7/2 होल स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी क्या कर दो, तो ये क्या बना अभी ये पार्ट, x माइनस 7/2 ये होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बनाया, 7/2 होल स्क्वायर मीन्स 49/4 बन गया, प्लस ए 11 एज यूजल इज इक्वल टू 0। तब यहाँ क्या करेंगे, इसमें x माइनस 7/2 होल स्क्वायर एज यूजल रहने दो इज इक्वल टू, ये माइनस को वो साइड में लाएंगे, ये 49/4 प्लस में आ जाएगा, ये प्लस है, ये क्या बनेगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लिया तो 49/4 माइनस 11/4 का एलसीएम लिया तो 4, इधर 49 माइनस 11/4 = 44, यानी 5/4 आ जाएगा। ये साइड का राइट साइड का वैल्यू 5/4 मिल रहा है, तो क्या अभी इधर रख लीजिए, एक्स माइनस 7/2 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5/4, ओके। और एक बार चेक करो, 49 माइनस 44, ओके, ठीक है। अभी क्या कर दो, तो इधर तो स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर निकालना है तो स्क्वेयर रूट लगाइए दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ अगर स्क्वेयर रूट लगाया है तो, नहीं तो क्या करो, डायरेक्ट कर दो, एक्स माइनस 7/2 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट लगाओ इधर 5/4। तो अभी ये क्या कर दो, प्लस आर माइनस ये क्या बन गया, अभी स्क्वेयर रूट 5/4 बन गया, और इधर क्या बन रहा है, एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 5 एज यूजल रख दो, रूट 4 मीन्स 2, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, एक्स माइनस 7/2 का वैल्यू आ रहा है, तो हमें एक्स का वैल्यू चाहिए ना, थोड़ी देर फोर एक्स इक्वल्स ये माइनस 7/2 है, ये साइड में लाओ तो प्लस 7/2 हो जाएगा, ये प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 5/2 एज यूजल। तो इन दोनों में एक्स इक्वल्स 2 कॉमन है, तो 7 + r - √5 बने, तो इसमें आंसर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है इधर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दो बार मिल रहे, दो आंसर इधर मिला, दो आंसर इधर मिला। इधर आंसर लिख लेंगे, एक तो हम लिखा है तो तीसरा लिख लेंगे, तीसरा और फोर्थ तो दोनों है इसमें, एक्स इक्वल्स 7 × r - √5/2, ये फाइनल आंसर है हमारे। ये आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, विजय मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।